सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा यही उद्देश्य है कि जहां तक के इस चंपारण और बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी लोग हैं, बिहार बोर्ड में होता क्या है कि अक्सर आर्ट, साइंस, कॉमर्स जो भी स्ट्रीम है ट्वेल्थ के लिए, विद्यार्थी इंग्लिश और हिंदी की तैयारी बेहतरीन नहीं कर पाता है और रिजल्ट यही बेहतर कर पाता है। 200 अंक होता है लिटरेचर में, 40% की बात होती है। और इसी चीज को हम मजबूती से हम तैयारी कराने के लिए इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम यहाँ पे बुलाए हुए हैं। आपको क्या जरूरत पड़े कि आप ऑनलाइन भी क्लास का ऑफलाइन क्लास कराते हैं, क्या जरूरत पड़े कि ऑनलाइन क्लास पर आने की? ऑनलाइन क्लास से ऑफलाइन क्लास जो हम चलता है बहुत अच्छा चलता है, बेहतरीन तरीके से चलता है। लेकिन हमने यह देखा कि शहर में जो लड़के रह रहे हैं कहीं ना कहीं फैमिली जो है बैकग्राउंड जो मजबूत है वही लड़के रह रहे हैं, वही लड़कियां भी रह रही है जो भी भाई बहन रह रहे हैं। लेकिन वैसे विद्यार्थी लोग जो गांव देहात में रह रहे हैं जिनके परिवार के लोग उतना पैसा नहीं अफोर्ड कर पाते हैं शहर में रखने के लिए अपने बच्चे को, क्या उनकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी? उसके लिए ऑनलाइन हमने मात्र 250 रुपया, मतलब केवल ऐप चार्ज और नेट जो चार्ज लगता है आप भी जानते हैं कि इस समय कितना खर्च लगता है, मात्र मतलब 250 में टोटल इंग्लिश और हिंदी जो रिजल्ट सबसे ज्यादा ट्वेल्थ में यह प्रोवाइड करता है इसकी तैयारी कराने के लिए हम ऑनलाइन की जरूरत महसूस की है। विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? विद्यार्थियों के लिए हम यही कहना चाहेंगे ये विद्यार्थी आने वाले कल का भविष्य है और विद्यार्थी अगर अच्छी शिक्षा हासिल नहीं करेंगे तो वही तरह तरह की पार्टियों की क्या करेंगे, झंडा ढोएंगे। हम कहेंगे कि शिक्षा एक ऐसी शास्त्र है, एक ऐसी आपके पास अस्त्र है कि अगर समुचित हो जाती है, अगर इंटरमीडिएट की रिजल्ट बेहतरीन बन जाती है तो आने वाले समय में एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बीएमपी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं सभी का रास्ता इंटरमीडिएट से ही खुलती है। और इंटरमीडिएट विद्यार्थियों के लिए अब हम कहेंगे कि रिजल्ट अगर आपका बेहतर हो जाएगा तो आने वाली कल आपको पहचानेंगे, अगर रिजल्ट गड़बड़ हो गया तो आने वाला कल आपको पहचानने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे मेरा निवेदन और विनती रहेगा कि हम लोग जरूर निश्चित रूप से वहाँ पढ़ाई करें जिससे रिजल्ट हमारा बेहतरीन हो सके। सर ये बताइए जो पश्चिमी चंपारण का जो शिक्षा व्यवस्था दर है बहुत कम है, जिसमें 55.70 है, इसमें आप क्या कहिएगा? लेकिन इसके लिए थोड़ा सा सरकार भी शिक्षा को लेकर जागृत है और हम लोगों जैसे लोग जो इसी को च्वाइस माना और एजुकेशन, हम ये कहना चाह रहे कि देखिए जो भी शिक्षक के नौकरी के व्यू से आएंगे तो समझिए कि नहीं शिक्षा नहीं दे पाएंगे, इसमें एक अपना शौक बनाना पड़ेगा, एक च्वाइस बनाना पड़ेगा। बहुत लोग देखते हैं बहुत काफी ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं जो कॉम्पिटेटिव तैयारी करते हैं, किसी कारणवश नहीं हो पाता है, फिर टीचर लाइन आते हैं वो हमेशा मतलब दुखी रहते हैं और दुखी भावना से कभी भी किसी विद्यार्थी को आप सिंचित नहीं कर सकते हैं। जिस तरह एक किसान उत्सुकतावश से अपने खेत की सिंचाई करता है उसी प्रकार एक टीचर को भी पहले ललक होनी चाहिए, जोश, जुनून और कॉन्फिडेंस यह सफलता की पहचान होती है। जब तक टीचर ही अपना जोश, जुनून, कॉन्फिडेंस नहीं लगाएगा तो विद्यार्थी क्या लगा पाएगा। तो इसलिए उन तमाम शिक्षक भी दोषी हैं जो जोश, जुनून के साथ नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को नहीं रख पाते हैं। तो हम सबसे अपील करेंगे कि विद्यार्थी आने वाले कल के भविष्य है, उनको हम जोश, जुनून के साथ हम सिंचित करें और आने वाला कल को बेहतर बनाए। लेकिन यही रोहतास में देखेंगे तो सबसे शिक्षा दर है, ऐसा क्यों? शिक्षक तो वहाँ भी है ज्यादा है, रोहतास में सबसे ज्यादा। देखिए मतलब अगर हम लोग 38 जिला की बात करें तो अगर जब पैमाना पर ले चल रहा है तो कम बेस तो रहेगा, लेकिन अब रही बात की रोहतास की तुलना चंपारण से तो पिछले आप 3-4 साल से देख रहे हैं कि रिजल्ट हम लोग का जो है पहले से बहुत काफी इंक्रीज किया हुआ है और इस पर हम लोग प्रयासरत है कि जितना बेहतर हो सके। इसीलिए तो ऑनलाइन भी उतरना पड़ा कि गांव से गांव के जो लड़के रह रहे हैं वो भी बेहतरीन तैयारी कर सके। और यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था हमने दिया, महज 12 रुपया महीना की घंटा पर लड़का यहाँ पे रहकर तैयारी कर सकता है। अभी 4 दरोगा का रिजल्ट तमाम बहने बीएमपी जो बिहार पुलिस में यहाँ से चयनित हुई है, 4 सर्जेंट में आपसे मतलब बच्चे चुनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक माहौल की जरूरत है और उस पर हम लोग अग्रसित होने का प्रयास कर। ऑनलाइन ऑनलाइन जो आप पढ़ा रहे हैं उसके ऐप वेप के बारे में भी आपका ध्यान है? जी जी, यूट्यूब के माध्यम से और डीके कुशवाहा ऐप
प्ले स्टोर से जिस तरह व्हाट्सएप हम लोग डाउनलोड करते हैं, फेसबुक डाउनलोड करते हैं, उस तरह डाउनलोड आप कर सकते हैं प्ले स्टोर से डीके कुशवाहा। और महज 250 रुपया में पूरे सिलेबस को इंग्लिश और हिंदी हम खुद पढ़ाएंगे और रिजल्ट की गारंटी रहेगी कि 100% असुर रिजल्ट प्रोवाइड होगा। अच्छा सर ये बताइए बेतिया को शिक्षा से लेके आप क्या बात करिएगा? देखिए बेतिया में देखिए ऐसा कहा भी गया, शास्त्र में भी कहा गया है कि जरूरी नहीं हर समय जीवक पर भगवान का नाम है, वो लम्हा विभक्ति का होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। हम लोग के एक युवा के नाते कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और जितना बेहतर हो सकता है इस बेतिया में 14 वर्षों से मैं बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं शिक्षा के क्षेत्र में। हमारा यही मकसद है कि विद्यार्थी को मैं इतना ताकत दे दूं, इतना उसकी शक्ति को जगा दूं कि मतलब वह सपनों में भी पढ़ाई की बात करे। क्योंकि विद्यार्थी के पास ताकत कम नहीं है, जरूरत है उसकी ताकत को उभारने की, उसकी कॉन्फिडेंस को लाने की। और मेरा यही प्रयास रहता है कि विद्यार्थी के कॉन्फिडेंस को हम कैसे बढ़ाएं और उस बढ़ाने के बदौलत जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है कैसे कम्प्लीट कराए। अच्छा ये गरीब बच्चों के लिए भी कुछ सुविधाएं आप मुहैया करवाएं? गरीब बच्चों के लिए वैसे बच्चे जो विकलांग है जिसके माता पिता नहीं है, मेरा लाइब्रेरी बिल्कुल निःशुल्क रहता है आज तक, मतलब कोचिंग में भी विकलांग बच्चे का और जिनके माता पिता नहीं है, अनाथ है, जिसके पिता भी नहीं है, उनका क्लास में फीस नहीं लगता है। ऑनलाइन सबके लिए, पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, यह नारा लगाकर हम मात्र 250 रुपया और साल भर का कोर्स हम दे रहे हैं। और सुदूर इलाके में जो गांव देहात में बैठे हैं वैसे भाई बहन को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इससे सस्ता आप क्या सोच सकते हैं? आप लोग तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चलाने में भी बहुत सारा खर्च जो है वो मामूली वो खर्च लिया जा रहा है, न कि पैसा लिया जा रहा है। तो और सब भी बातें हैं जैसे कि चंपारण पढ़ाई शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ के कॉलेज में भी पढ़ाई बहुत कम होती है, तो इसमें तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो प्रोफेसर इतना महीना लेते हैं, और आपको भी मालूम है हमें भी मालूम है सब युवाओं को एक बार इसके खिलाफ हम लोग की आवाज भी बुलंद करनी होगी कि महज हम सिलेबस इंटरमीडिएट के पढ़ा रहे हैं 14 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी चाह कर भी नहीं जा पा रहा है कॉलेज। आखिर क्यों जाएगा 2 साल के अंदर? हम चैलेंज करते हैं सरकार को, कोई ऐसा कॉलेज बताए जिसमें 10 चैप्टर भी पढ़ाई हो पाती हो, जबकि 48 चैप्टर लगभग 80 चैप्टर आपका अगर इंग्लिश के ही ले लिया जाए तो टाइम मेंटेनेंस वॉस नरेशन टाइम आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सिंटेक्स के नाम से जाना जाता है, ये तमाम चीज लड़का वहां पे समय आखिर क्यों दे जब उसको रिजल्ट मिले तो उसके अलावा रिजल्ट नहीं मिल पाती जिससे नहीं जा पाता। इसलिए लड़के महाविद्यालय छोड़कर आप जैसे कुशल शिक्षक के पास आते हैं। जी जी, और वहीं आप 10 साल से देख भी रहे हैं। अब रही बात की इसके लिए, अब तो सरकार भी जागरूक हो रही है, हम लोग भी बच्चों को मतलब उस तरह का प्रेरणा दे रहे हैं कि आप जिस कॉलेज में आप उतना फीस दे रहे हैं उसका आप लोग मतलब आप आवाज अपनी बुलंद कीजिए, और हम लोग निश्चित इस पर 2-3 साल के अंदर हम लोग भी काम करने वाले हैं। जो इस साल जो बच्चे इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले हैं इंग्लिश खासकर विषय का, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए उनको हम खास संदेश यही देंगे कि बाबू पढ़ाई कर लीजिए बेहतर, अगर इंटरमीडिएट की रिजल्ट आपका गड़बड़ हो गई तो फिर आप आने वाले समय में किसी काम के नहीं रहेंगे। आजकल के बच्चों से मेरा कमजोर विनती रहेगा, इंटरमीडिएट खासकर एग्जाम ये नहीं कहता है कि 2 साल पहले क्या पढ़े हैं, एग्जाम ये कहता है कि 2 महीना पहले क्या पढ़े हैं। और वो समय आपके पास है, अगर उस समय का आप समुचित प्रयोग कर लेते हैं, अगर सचमुच में ला लेते हैं, तो सफलता आपकी कदम चुमेगी और हर सुबह आपके जीवन में दीपावली, हर शाम आपके होली का आनंद रहेगी। इसीलिए हम कहना चाहेंगे हर एक भाई बहन से जो इंटरमीडिएट में सर एग्जाम देने वाले हैं कि आप अपने जीवन में कॉन्फिडेंस को दुगना कीजिए और सफलता की तरफ अग्रसरित होइए। नारा लगाइए कि अब दोस्त न रहा, यार न रहा, और रिजल्ट लाने के सिवाय दूसरा कोई काम न रहा। अगर यह नारा बुलंद कर लेंगे हमारे भाई बहन, निश्चित वह दिन आएगा जब सफल होंगे, जैसा हजारों विद्यार्थी को हमने एयरफोर्स आर्मी नेवी बीएमपी अब बहुत सुंदर माहौल देकर लाइब्रेरी के माध्यम से दरोगा लेवल तक के कॉम्पिटेटिव जो है कम्प्लीट यहाँ से हो रहा है बच्चे। आपने लाइब्रेरी का नाम लिया, अक्सर देखा जाता है बीते में अनेक प्रकार की लाइब्रेरी है, आखिर आपकी लाइब्रेरी में क्या खास बात है कि बच्चे आए पढ़ने के लिए? देखिए मेरा प्रयास उत्तर बिहार की सबसे अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनाना है। आप देख भी सकते हैं हर एक बच्चे, वैसे बच्चे जो घर में माहौल नहीं मिल पाता था या वैसे बस्ती में रहते हैं जहाँ कोई पढ़ाई का मतलब वहाँ पे औचित्य नहीं बनता है, उन लोग के लिए महज 12 रुपया
महीना के दर से घंटा पर लिया जाता है, यानी 12 घंटा का मात्र 250 मेंटेन फीस है, यहाँ पर मेंटेन चार्ज है, और उसके माध्यम से लगभग कई सौ विद्यार्थी अपना रिजल्ट ला रहा है, तैयारी कर रहा है। हम जहां तक अपना प्रयास है, एक इंसान जो है प्रयास कर सकता है, उस प्रयास पर हम अग्रसरित हैं।